गुड मॉर्निंग। डे नंबर 5 में हमारी सवारी निकल चुकी है कानपुर से और हम जा रहे हैं उस तरफ। जी हाँ, और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये है आपका काम गेस करना। तो उठाइए अपना फोन और आइए #RoadTripIn with RNM NSTTV18 पर और हमें बताइए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने हमको सही जवाब दिया तो कल हम आपका नाम अनाउंस करेंगे और आपको देंगे खूब सारा प्यार और तालियां, जैसे कि ये, जैसे कि कल जिन लोगों ने गेस किया था बिल्कुल करेक्टली कि हमारी मोटरसाइकिल रुकेंगी और हम सोएंगे कानपुर में। नंबर वन इंस्टाग्राम पे सुमंतो दत्ता, नंबर 9 सुमंतो, यूट्यूब पे अगेन सुमंतो दत्ता, मल्टीपल चैनल पे एक्टिव, ट्विटर पे @सुमंतो दत्ता, और फेसबुक पे मिस्टर राजीव तिवारी। क्या हुआ सुमंतो जी, क्या हो गया, चारों में क्यों नहीं गया? सर राजीव तिवारी जी के लिए भी कुछ। हाँ राजीव तिवारी, राजीव तिवारी, राजीव तिवारी, वेल डन। क्या बात है सुमंतो दा, आप तो छा गए हो सुबह सुबह। तो एनीवे कानपुर में आया, बहुत मजा। और परसों हम थे मध्य प्रदेश में जहाँ पे सब कुछ था खाली खाली, सड़कें थी सुनसान वीरान, हवा चल रही थी, पेड़ झुक रहे थे, कोई ना था आसपास, सब खाली। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि वो लोग और बाकी सारी सिटीज में जितनी इंडिया में है वहाँ के सारे लोग सब आगे कानपुर पहुँच गए थे। क्योंकि कानपुर में सिचुएशन थी, सब जगह लोग थे, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं फॉलो कर रहा था, ट्रैफिक का ऐसा हाल इंडिया में कहीं नहीं जैसा कानपुर में है। कौन कहता है कि आजादी इम्पोर्टेंट नहीं है, कानपुर में आजादी फुल है, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, रेड लाइट के थ्रू जाओ, ग्रीन लाइट के थ्रू जाओ। हमारी तो भाई साहब चार निकल गई थी एक टाइम पे, हम दोनों ही खड़े थे रेड लाइट के बीच और दोनों तरफ से ट्रैफिक निकल रहा था और लोग बोल रहे थे क्या भाई साहब खड़े की हो रहा है यार, लाल बत्ती, अरे चलो ना कानपुर। पर कानपुर का खाना बहुत सही था यार, करेक्ट, चाहे वो लड्डू हो ठग्गू के लड्डू, चाहे वो जो बिल्कुल हमारे को इतना इंटरेस्टिंग सरप्राइज मील मिला था एशियन खाना इन अ ब्यूटीफुल सेटिंग कानपुर में, मतलब खाने पीने अगर आप आएंगे तो बिल्कुल आप निराश नहीं होंगे। जी हाँ, कानपुर इज ऑलवेज सरप्राइजिंग, कुछ ना कुछ अजीबो गरीब खूबसूरत चीज कानपुर हमेशा आपके लिए प्रेजेंट कर देगा। तो कानपुर है बहुत मजेदार, लेकिन हमारी अगली डेस्टिनेशन भी कोई कम नहीं। तो आज आपका काम है कि हमारे साथ चलिए और हमें अभी अभी बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं उस तरफ, उस तरफ। और आपको हिंट दे रहे हैं क्योंकि सामने बोर्ड लगा है तो आपको पता चल जाएगा। ओ, स्टार्ट नहीं हो रही मोटरसाइकिल, आहा, क्योंकि हमारी हाईनेस CB350 में है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर, साइड स्टैंड विद इंजन इनहिबिटर। मतलब अगर मेरी मोटरसाइकिल गियर में है और साइड स्टैंड डाउन है तो सेफ्टी के लिए मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देखो, और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि अगर मेरी मोटरसाइकिल गियर में है और मैं अपना साइड स्टैंड डाउन करूं तो इंजन इनहिबिटर मोटरसाइकिल को बंद कर देगा। तो ये बड़ा यूजफुल फीचर है, कभी कभी भूल जाते हैं लोग। तो चले आगे, चलो आप प्लीज जल्दी से गेस कीजिए कि हम जा जा रहे हैं। देखो जी, ये रहा आपका ट्रैवल टिप, क्योंकि जब आप हाईवे पे निकलेंगे आपकी टंकी ऑलवेज फुल होनी चाहिए। तो हम ये जो एडवाइस है वो हम खुद बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए नेशनल हाईवे 27 पे हम इस जगह पे रुके हैं, अनंत भोग भोजनालय, जो अजकैन में है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, और ये है नया चेहरा यूपी के रोड साइड ढाबों का। तो जब हाईवे अच्छे बन गए उसके इमीजिएटली बाद ढाबे भी थोड़े एक्सपैंड होने शुरू हो गए, और ये बहुत ज़रूरी जगह है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खाना मिलेगा बिल्कुल लोगों के टेस्ट के अनुसार। तो यूपी में प्यार मोहब्बत टेस्ट का मतलब है मिर्ची तेज, खूब सारा तला हुआ खाना, खूब सारे स्पाइसेस और टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि यूपी में इसी तरह डिस्प्ले किया जाता है कि कितना अच्छा खाना है। भाई साहब खाना है फर्स्ट क्लास, और ये किसी भी ढाबे में आपको इस लेवल का खाना तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यूपी में खाना होता बड़ा टेस्टी है। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या खराबी है, आपको पावर चाहिए आप खूब सारी तली हुई चीज़ें खाइए,
मतलब हम तो ये करते हैं, हम ये नहीं करेंगे आप करिए, हम तो करते हैं। प्याज के पकौड़े, पूरी भाजी, छोले भटूरे, समोसे, पनीर के पकौड़े, परौंठे। हाँ, पनीर के परौंठे, पकौड़े परौंठे दोनों अंदर पेट में जाके तो सेम हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और ये आलू के परौंठे, और कुछ नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि ये है आपका यूपी का भटूरा और ये है आपकी यूपी की पूरी। तो अब इसे ध्यान से पहचान लीजिए, पूरी मतलब आधी से कम और भटूरा मतलब बहुत बहुत पूरा, डेढ़ डेढ़। तो खाना एकदम रफ एंड रेडी, खाना एकदम डिलीशियस एंड टेस्टी, प्राइस बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और ऐसी जगहें जो है ये सप्लाई करती है ट्रैवलर्स को खूब खाने पीने के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगी वो है चाय, दूध इतना ज़बरदस्त इसके अंदर कि क्रीम ऊपर आ चुकी है, चाय एकदम मीठी, खूब सारा दूध, ये है डीलक्स टी। और अगर आपको डीलक्स टी नहीं चाहिए तो दूध थोड़ा कम होगा, बाकी टेस्ट सेम ही होना है। तो हम अब करते हैं अपना नाश्ता और आपको मिलेंगे अगले पोस्ट में, उस डायरेक्शन में, डाउन द रोड। हाँ, गैस जरूर कीजिएगा कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल सिर्फ खा रहे हैं।